सबको लगता है। विवेक अपनी पत्नी रजनी, बेटे चंदन, बेटी संजना और माँ कमला देवी के साथ शहर में रहता था, लेकिन आज वो छुट्टी मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था। सालों बाद हम अपने पुश्तैनी घर लौट रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। कई साल पहले पैसा कमाने के लिए मेरे ससुर गांव छोड़कर शहर में बस गए थे, बस तब से आज तक यहाँ आना ही नहीं हुआ। अब तो आपका सपना पूरा हो रहा है ना माँ जी। कार अब गांव के अंदर पहुंच रही थी, पर जैसे ही कार गांव में थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक एक बूढ़ा आदमी धड़ाम से कार के सामने वाले कांच से टकराया। विवेक ने घबरा कर ब्रेक मारा। विवेक ने बाहर झांक कर देखा, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल हो रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लौट जाओ वरना मारे जाओगे, लौट जाओ वरना मारे जाओगे। चंदन और संजना सीट पर चिपक गए। रजनी ने बच्चों को कसकर पकड़ा और घबरा कर विवेक की ओर देखा। क्या कह रहे हो बाबा, हम तो अपने ही घर जा रहे हैं। यहाँ मौत का साया है, तुम सब मरोगे, वापस जाओ, वापस जाओ। छोड़ो इसे, ये पागल है। इसके बारे में मेरी सास ने भी बताया था, मुझे नहीं पता था कि ये अभी तक जिंदा होगा। विवेक ने बूढ़े को नजरअंदाज किया और फिर से कार चलाना शुरू कर दी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, पीछे से बूढ़े की आवाज आई। वापस जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगी, वापस चले जाओ, चले जाओ। आखिरकार वो अपने पुश्तैनी घर पहुंचे। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और धूल जमी हुई थी। घर तो जैसे सदियों से यूं ही पड़ा है। ये जगह इतनी भयानक क्यों लग रही है? इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया। चलो पहले सफाई कर लेते हैं। सब लोग घर के अलग अलग कोनों में सफाई करने लगे। तभी रजनी ने धीरे से कमला देवी से पूछा, वो बूढ़ा आदमी कौन था? अरे वो पागल है, उसकी माँ बचपन में अचानक गायब हो गई थी, या शायद मर गई थी, पता नहीं, कोई नहीं जानता। उसके बाद से ही वो ऐसा हो गया। ओह अच्छा अच्छा। दिन गुजर गया और रात हो गई। विवेक और रजनी बिस्तर पर लेटे थे। पूरा दिन सफाई और थकान में बीत गया था। खिड़की बंद थी, फिर भी ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। रजनी को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा, पर कुछ अजीब नजर नहीं आया। विवेक तो गहरी नींद में था, लेकिन रजनी को ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी है। तभी अचानक बिस्तर के पास से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। रजनी ने चौंक कर देखा, कमरे के कोने में अंधेरे में कोई परछाई हिल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने विवेक को हिलाया। विवेक उठो ना, यहाँ कुछ है। विवेक ने आंखें खोली और चारों ओर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ नहीं है रजनी, तुम शायद थक गई हो, सो जाओ। विवेक ने करवट ली और फिर से सो गया, लेकिन रजनी की आंखें अब भी उस कोने पर जमी थी। परछाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। रजनी की आवाज जैसे गले में अटक गई। परछाई अब बिल्कुल उसके बिस्तर के पास आ चुकी थी और उसके चेहरे की झलक साफ नजर आ रही थी। वो एक औरत थी, बिखरे बाल, लाल आंखें और सूखे होंठ। उसकी नजरें सीधी रजनी पर टिकी थी। रजनी ने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई और ठंडी हवा के झोंके ने पूरे कमरे को हिला दिया। परछाई हवा के साथ गायब हो गई। रजनी कांपती हुई विवेक के करीब सिमट गई। वो यहाँ थी। रजनी कुछ नहीं है, तुमने सपना देखा होगा। रजनी से कुछ बोला नहीं गया और वो वैसे ही सो गई। लेकिन उसके सो जाने के बाद विवेक को किसी औरत के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। उसे बड़ा अजीब सा लगा और वो आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सो गया। रात गुजरी और सुबह हो गई। सुबह
चंदन और संजना उठकर बाथरूम की ओर गए। जैसे ही संजना ने लाइट ऑन की तो दोनों का ध्यान आईने पर गया। आईने में कुछ अजीब था, दोनों बच्चों की परछाइयाँ टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। संजना देख, तेरा चेहरा मिरर में कैसा दिख रहा है? भैया ये मिरर तो बड़ा अजीब है। तभी आईने में अचानक एक तीसरी परछाई उभरने लगी, एक औरत की परछाई। वो उसे देखकर समझ नहीं सके कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी आईने में से दो हाथ निकले और उन दोनों हाथों ने चंदन और संजना के गले पकड़ लिए। दोनों बच्चे चीख कर बाथरूम से बाहर भागे। मम्मी 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 बचाओ, मम्मी मम्मी बचाओ। अरे क्या हुआ, हमारे बाथरूम के आईने में कोई है? अरे आईने में कुछ नहीं होता है, तुम लोगों का भ्रम होगा, जाओ मुंह हाथ धो। विवेक और रजनी खुद कुछ अजीब एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने नहीं कहा, वरना उन्हें और ज्यादा डर लगता। फिर सब अपने काम में लग गए। कमला देवी को भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन में पहुंची। उसने किचन में देखा कि रजनी पराठे बना रही है। रजनी मुझे पराठे मत देना, मैं रोटी खा लूंगी। लेकिन रजनी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला देवी ने फिर से आवाज दी, इस बार थोड़ा पास जाकर। रजनी सुना नहीं, रोटी बना दो। अब भी कोई जवाब नहीं मिला। कमला देवी को कुछ अजीब लगा, उसने रजनी के कंधे पर हाथ रखा। अचानक उसी पल दरवाजे के पास से रजनी की आवाज आई। रजनी, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास रजनी खड़ी थी। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से उस औरत की ओर देखा जिसे वो रजनी समझ रही थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। रसोई खाली थी, तवा ठंडा पड़ा था और आटा वैसा ही रखा हुआ था। कमला देवी की आंखें फटी की फटी रह गई, उसका गला सूख गया और वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी जो हुआ वो सच था या उसका भ्रम। उसने खुद को संभाला और रसोई से बाहर आ गई। माँ जी क्या हुआ? कमला देवी ने रजनी को कुछ नहीं बताया और बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। दिन ढल गया और एक बार फिर से रात आ गई। घर में अंधेरा छाने लगा। विवेक, रजनी, बच्चे और कमला देवी अब अलग अलग कामों में लग गए थे। विवेक को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रजनी को ऐसा लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। चंदन और संजना जब खेल रहे थे तो अचानक उन्हें लगा कि घर की दीवारों से खरोचने की आवाजें आ रही है। दोनों बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक गए। पता नहीं क्या है संजना। इन डरावनी घटनाओं ने सबको एक साथ हॉल में इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। इस घर में कुछ है, मैंने खुद देखा था अपने कमरे में। मैंने भी महसूस किया था कि कोई मेरे पीछे था, लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं था। हमें भी दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी। वो रसोई वाली बात शायद मेरा भ्रम नहीं था, मैंने भी कुछ अजीब देखा था। हमें भी दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ रात नहीं काट सकते। डर के मारे विवेक, रजनी, कमला देवी और बच्चे अपने अपने कमरों में दौड़ कर गए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगे। सामान बांधकर वो हॉल में इकट्ठे हुए और बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो गए। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिला। क्या हो रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तभी एक आवाज आई और सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक डरावनी चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। माँ ये कौन है? पता नहीं बेटा। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम यहाँ से चले जाएंगे, बस हमें मत मारो। तुम आखिर हो कौन और क्या चाहती हो? मेरा नाम सरस्वती है और मैं इस घर की मालकिन थी।
का एक बेटा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक जमींदार ने इस घर पर कब्जा करने के लिए मुझे मार कर मेरी लाश को इसी हॉल में गाड़ दिया। मेरा वो बेटा इस सदमे से पागल हो गया और तब से इस गांव में यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो इससे हमारा क्या लेना देना? जमींदार और कोई नहीं, तेरा परदादा था, यानी इस कमला देवी का ससुर। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और वो बुरी तरह से सहम गई। तेरे परदादा ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। हमें माफ कर दो, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन चुड़ैल ने उनकी मिन्नतों को अनसुना कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और कमला देवी की ओर इशारा किया। अचानक कमला देवी हवा में उठने लगी, उसका शरीर बुरी तरह से थरथराने लगा और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें थम गई। विवेक ये सब देखकर पागल सा हो गया। मैं तुझे खत्म कर दूंगा चुड़ैल। नहीं विवेक, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें इसे मुक्त करना होगा, हमें इसकी लाश को ढूंढ कर चलाना होगा। विवेक को भी समझ आया कि यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने जल्दी से चुड़ैल पर गंगाजल छिड़कना शुरू किया ताकि वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए। चुड़ैल की चीखों से घर कांपने लगा और वो कमजोर पड़ने लगी। इस बीच विवेक और रजनी ने घर के हॉल में खुदाई शुरू की और थोड़ी देर बाद उन्हें सरस्वती की लाश मिल गई। इसे फौरन जला दो। नहीं, 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 नहीं। उन्होंने जल्दी से लाश को बाहर निकाला और उसे जला दिया। जैसे ही आग की लपटें उठी, चुड़ैल की चीखें धीमी पड़ने लगी। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और घर शांत हो गया। चुड़ैल तो चली गई, लेकिन जाने से पहले कमला देवी की मौत के रूप विवेक को एक दर्द दे गई। परदादा के कर्म की सजा परपोते ने भुगती।